जय हिंद दोस्तों, आज मेरे पास जो है ये होम थिएटर आया हुआ है। इंटेक्स का है, आपका इंटेक्स हो या जो भी कंपनी का हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट देखो दोस्तों, इसमें जो प्रॉब्लम है बड़ा यूनिक प्रॉब्लम है, तो जो मैं बोलूँगा दोस्तों बिल्कुल अच्छा सुनना पहले, ठीक है। उसमें मैं बहुत सारा कुछ बोलने वाला हूँ, ठीक है, तो आप अच्छा समझ जाओगे तो ही सही से प्रॉब्लम का फिक्स एक बार में कर लोगे दोस्तों, कोई दिक्कत होगा नहीं, ठीक है। तो देखो दोस्तों, हम इसका बॉडी को ओपन कर दिए हैं और इसमें प्रॉब्लम क्या है ये जानो पहले आप। तो चलिए हम थोड़ा कैमरा को सही से फोकस कर देते हैं। तो देखो दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम क्या है, जब छोटा स्पीकर है ना, ये स्पीकर का तार जो है हम इसमें लगाते हैं, देखिए इसमें लगाते हैं, ठीक है। जैसे ऑन कर दिए, इसको लाइन में लगा दिए हैं प्लग को, और कुछ बजाना नहीं है दोस्तों, कुछ बजाया नहीं है, ठीक है। बस जैसे जैसे लगाएं, साइलेंट है, बिल्कुल साइलेंट रहना ही चाहिए। इसमें भी लगाएं तो इसमें भी बिल्कुल साइलेंट है, मगर इसमें बल लगाते हैं तो खड़खड़ खड़खड़ फड़फड़ फड़फड़ जो आवाज़ करने लगता है, ठीक है। और इसमें भी लगाते हैं तो भी आवाज़ करने लगता है। हाँ, अगर गाना भी बजाते हैं दोस्तों तो भी गाना के साथ साथ फड़फड़ाहट का आवाज़ आता है, ठीक है। तो दोस्तों देखो, इस तरह का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा को लॉजिक लगाना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है, और अधिकतर जो प्रॉब्लम आता है कहाँ कहाँ से प्रॉब्लम आता है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताएंगे दोस्तों, ताकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखो दोस्तों, आपको समझ में आ गया हो कि क्या हम बोले हैं। गाना अगर बजाते हैं दोस्तों तो इसमें जो फड़फड़ाहट, ये दोनों में दोस्तों है ना, दोनों रेड में जो है, ये तो दोस्तों ये ऑक्स केबल हो गया दोस्तों, है ना, मोबाइल से बजाने वाला है। ये दोनों में दोस्तों आउटपुट जो दोस्तों इसमें जो आपको लगाते हैं तो गाना के साथ भी आवाज़ फड़फड़ाहट होता है, अगर गाना नहीं भी बजा रहे हैं तो इसमें फड़फड़ आवाज़ करता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आता है, क्या करना चाहिए, और देखो दोस्तों कुछ मिनट में आप रिपेयर कर सकते हो इस तरह का प्रॉब्लम। देखो दोस्तों, तो मैंने क्या किया ये देखो, पहले देखो आपका जो है दोस्तों ये जो ऑडियो का जो, देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम, क्या कहाँ कहाँ से प्रॉब्लम आता है दोस्तों। देखो इसमें तो सबसे पहले पाइनल का प्रॉब्लम आता है जहाँ पे ब्लूटूथ रहता है, और दूसरा है कि वॉल्यूम का भी प्रॉब्लम आता है, वॉल्यूम भी अगर शॉर्ट वगैरह रहता है इसमें फड़फड़ाहट का आवाज आता है, ये देखे है ना। इसमें एक तो ब्लूटूथ पैनल का प्रॉब्लम आता है, दूसरा है कि वॉल्यूम का प्रॉब्लम आता है, ठीक है। और तीसरा होता है क्या कि आईसी का किट का प्रॉब्लम आता है। तो अधिकतर इसमें कहाँ से प्रॉब्लम आता है ये जान लो आप, ठीक है। तो मैंने क्या किया देखो दोस्तों, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ये जो तार था दोस्तों, ये इनपुट का जो तार था, ये तार को खोल दिए, ठीक है। और वॉल्यूम का जो तार था दोस्तों, वो भी तार हम खोल दिए इसका, ठीक है। ये जो वॉल्यूम का तार था, ये दोनों जो है तार खोल दिए। फिर भी जब लगाते हैं दोस्तों तार इसमें, तो फड़फड़ाहट का आवाज़ लगा आते रहता है। लाइन में लगाएं, इसमें जहाँ स्पीकर लगाएं इसका, इसका आवाज़ फड़फड़ाहट आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों देखो दोस्तों, ये तो कंफर्म हो गया कि इसका दोनों कनेक्शन जो है खोल दिए हम, ठीक है। तो भी आ रहा था, तो आखिर कंफर्म हो गया कि आई का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बिल्कुल आराम से सुनना आप, ठीक है, कंफर्म है उधर का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब क्या प्रॉब्लम रहता है देखो दोस्तों, अब डायरेक्ट जो है आप आईसी भी इंटेक करेगा, हाँ आईसी चेंज कर देंगे ठीक हो जाएगा। बेशक दोस्तों आप आईसी चेंज करोगे इस कंडीशन में ठीक हो ही जाता है, ठीक है। इसमें देखो दोस्तों, इसमें तीन आईसी दिया हुआ है, एक दो तीन, है ना। तो एक लेफ्ट राइट ऑडियो के लिए है, एक बूफर के लिए है, है ना, दिख रहा होगा। इसमें आईसी जो 20-30 इस्तेमाल किया हुआ है, 5 पिन का है। तो देखो दोस्तों, अब इसमें जो वोल्ट वगैरह हम चेक नहीं करेंगे, क्यों नहीं चेक किए, क्योंकि दोस्तों चेक इसलिए नहीं करेंगे दोस्तों, आवाज़ तो आ रहा है ना, बट आवाज में फड़फड़ाहट है, गाना बजाते हैं तो गाना के साथ फड़फड़ाहट है, तो वोल्टेज इसको प्रॉपर मिल रहा है, इसको दिखे ना। आईसी चेंज करोगे तो बिल्कुल टनाटन हो जाएगा। मगर दोस्तों एक बात आप जान लो दोस्तों, कि आईसी चेंज करने से पहले एक बात का और जरूर ध्यान रखिए दोस्तों, आपका अगर ओरिजिनल आईसी है, ठीक है, ये देखिए ओरिजिनल इंटेक्स का ओरिजिनल आईसी है, तो आईसी को दोस्तों एक बार रिसोल्ड जरूर कर दें आप। देखो देखने बिल्कुल अच्छा सोल्डिंग लगेगा, एकदम अच्छा सोल्डिंग किया हुआ है, मगर आप अच्छा फिर से उसी में सोल्डिंग कर देंगे। पहले तो आपको ये चेक करना है दोस्तों कि इसका जो कनेक्शन दोस्तों कौन आईसी से है, है ना। तो हम चेक पहले कनेक्शन जो कंफर्म कर लेते हैं कि हाँ कौन आईसी से। देखो ये लाइट टेस्टर है ना, लाइट टेस्टर। तो चलिए ये दोनों जो है नहीं बज रहा था, ये दोनों फड़फड़ाहट आवाज़ है। तो देखो पहले ये करना है, ये देखिए ये यहां से दोस्तों, ये देखिए ये इस पे आया लाइन, इस पे आया, ठीक है। इसका कनेक्शन कहां गया ये देख लो, इसका कनेक्शन यहां से आया, यहां से जंपर लगा, यहां से आके इस आईसी पे गया, ठीक है। ये कंफर्म है ये आईसी है, जो आईसी में प्रॉब्लम होगा या इसका सर्किट में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो बस ये आईसी आप चेंज करोगे तो ठीक हो जाएगा। बट देखो मार्केट का आईसी है, तब अगर ओरिजिनल है दोस्तों तो इसको जरूर रिसोल्डिंग, अच्छा सोल्डर रिसोल्डिंग कर दो दोस्तों, और ये जो है दोस्तों ये ठीक हो जाता है। और इस पे मैंने दोस्तों यही किया मैंने, ठीक है, क्योंकि दोस्तों हम सोचते हैं आईसी चेंज कर ले, फिर मेरे मन में आया चलो जब ओरिजिनल है तो थोड़ा एक बार सोल्डिंग भी कर देते हैं, अच्छा सोल्डिंग वगैरह कर दिए दोस्तों, है ना। देखो अच्छा सोल्डिंग कर दिए और ये बिल्कुल ठीक हो गया ना दोस्तों। तो आप जरूर ये बात करना, इस तरह का काम करना दोस्तों, और ये ओरिजिनल रहेगा तो दोस्तों ये चांस रहता है कि ठीक होने का। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा।